दोस्तों BSNL की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल के जहाँ पे BSNL ने 2021 के अंदर अपने नए ब्रॉडबैंड प्लान्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया सिर्फ 299 रुपए से। आपने सही सुना, 299 से स्टार्ट होता है जहाँ पे अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी आपको मिलने वाली। दोस्तों कौन से प्लान है, क्या स्पीड के साथ आएंगे, क्या है इसकी पूरी प्राइसिंग, इसके बारे में पड़ताल करेंगे, क्या सही मायनों में ये बेस्ट डील हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोडील फ्रेंड्स। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रॉडबैंड एक बेसिक नेसेसिटी हो चुका है, खास करके दोस्तों फाइबर ब्रॉडबैंड आज 250 कंपनी अच्छे अच्छे ऑफर देती है यहाँ पे, जहाँ पे जियो, एयरटेल और हमारा BSNL भी दोस्तों FTTH में आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे BSNL के दोस्तों DSL जो नॉर्मल दोस्तों ब्रॉडबैंड आते हैं ना कनेक्शन, उसकी बात करेंगे जो मैक्सिमम 10-15 Mbps से ज्यादा नहीं आते। लेकिन बात करूँ BSNL के ऑलमोस्ट 7 मिलियन दोस्तों यूजर पूरे भारत में, 70 लाख लोग BSNL का ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, जिसमें दोस्तों ज्यादातर दोस्तों 70 मिलियन तो जो है दोस्तों 7 मिलियन ये खास करके दोस्तों DSL यूज करते हैं और 1 मिलियन इसके 10 लाख ऐसे हैं जो फाइबर यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चंक BSNL के ब्रॉडबैंड में यहां पे नॉर्मल ब्रॉडबैंड यूजर का, तो इन लोगों के लिए एक बड़ा दोस्तों ऑफर लेके जहां पे कुछ नए प्लान्स यहां पे लॉन्च किए, 299 से प्लान स्टार्ट होते हैं। देखते हैं दोस्तों पूरे के पूरे प्लान के बारे में क्या करते हैं। जैसे कि मैं बताएं BSNL दोस्तों पूरे भारत में ऑलमोस्ट 7 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ यहां पे, लेकिन सिर्फ 1 मिलियन इसके फाइबर है, इसलिए 7 मिलियन यूजर जो है उसके ऊपर फोकस करने के लिए नए फाइबर ब्रॉडबैंड लेके आ चुका है। 299, 399, 555 दोस्तों ये तीन प्लान है, 299, 399, 555 ये तीन प्लान ऐसे दोस्तों जहां पे आपको अच्छा खासा डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, बहुत कुछ देने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं 299 का प्लान दोस्तों, ये DSL प्लान है जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड आता है आप सभी जानते हैं। 299 में आपको क्या मिलेगा, 299 में दोस्तों आपको यहां पे इस प्लान का नाम है 100 GB CUL, 100 GB समझ गए मतलब 100 GB की लिमिट आपको मिलेगी मंथली। इस प्लान का दोस्तों नाम है, यहां पे आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी दोस्तों, यहां पे 10 Mbps की स्पीड मिलेगी 100 GB तक। जैसे आप 100 GB का दोस्तों लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे आपकी स्पीड 10 Mbps से घट के 2 Mbps हो जाएगी, यस 2 Mbps की स्पीड आपको हो जाएगी और उसके बाद अनलिमिटेड है, यस। 299 का प्लान है, 100 GB आपको मंथली डेटा की कैपिंग मिलने वाली, 2 Mbps की स्पीड मिलेगी दोस्तों, और आपको जैसे 10 Mbps की स्पीड मिलेगी जैसे आपका 100 GB खत्म, आपकी स्पीड रिड्यूस होकर 2 Mbps टोटली अनलिमिटेड रहने वाली। तो मतलब इस प्राइसिंग बैंड के अंदर आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलने वाली, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाली है, लोकल HD कॉल्स आप फ्री में कर सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज। और ये जो प्लान है पूरे भारत में इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार में भी आप ये ले सकेंगे। दूसरे प्लान की तरफ चलते हैं, वो है दोस्तों 399। 399 दोस्तों आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको 200 GB डेटा मिलेगा। 399 दोस्तों आपको 200 GB डेटा मिलेगा, इसका प्लान का नाम है 200 GB CUL, तो 200 GB डेटा मिलेगा आपको, 10 Mbps की ही स्पीड मिलेगी, जैसे 200 GB खत्म स्पीड 10 Mbps से रिड्यूस होकर 2 Mbps और अनलिमिटेड रहेगी। इसमें भी दोस्तों आपको अनलिमिटेड कॉल मिलने वाला है, वॉइस कॉल्स मिलने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा प्लान है 555, ज्यादा डेटा यूज करते हैं ये प्लान आपके लिए। 555 का दोस्तों प्लान है जहां पे आपको कितना डेटा मिलता है, 500 GB मंथली डेटा मिलेगा, 500 GB आपको मंथली डेटा मिलेगा, 10 Mbps की ही स्पीड मिलेगी, 500 GB डेटा आपका खत्म, तो आपकी स्पीड रिड्यूस होकर यहां पे हो जाएगी 2 Mbps की स्पीड आपकी यहां पे रह जाने, तो 2 Mbps के हिसाब से दोस्तों फिर अनलिमिटेड आप यहां पे यूज कर सकेंगे, इसके अंदर भी आपको अनलिमिटेड कॉल मिलता है। देखो तीनों ही प्लान है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 10 Mbps के हिसाब से यहां पे जो कैपिंग थी यहां पे 100, 200, 500 ये नहीं होनी चाहिए थी, टोटली अनलिमिटेड होना चाहिए था। अगर ये टोटली अनलिमिटेड होता, क्योंकि स्पीड बहुत कम है 10 Mbps आज के जमाने में, जब फाइबर के अंदर 50-50 Mbps मिनिमम हो चुकी है, 1-1 GB के प्लान आ रहे हैं, तो BSNL को अपने जो कस्टमर्स को इंटेक रखने के लिए, नए कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, जियो रेटेल को टक्कर देने के लिए यहां पे इस प्लान को अनलिमिटेड करना चाहिए था। लेकिन BSNL ने ये प्लान तो लॉन्च किए, रेट तो सही है 299, 399, 555, लेकिन इनके अंदर अनलिमिटेड डेटा देना चाहिए था और 10, 20 और 30 Mbps कम से कम देना चाहिए था। मुझे दे दोस्तों आपको क्या लगता है BSNL के प्लान में कितना दम है, क्या आप ये BSNL के प्लान लेना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और फिलहाल आप कौन सा ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, मंथली कितना आपको चार्ज आता है, क्या स्पीड आपको मिलती है, उसके बारे में नीचे जरूर लिख के बताना फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।